नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी एंड इथोलॉजी का चैप्टर लेक्चर नंबर 72, बेहतरवा लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा, अपना जो टॉपिक चला था वो था फेरोमोन। फेरोमोन जो है, अपने बात कर रहे थे फेरोमोन्स इन मैमल्स, फेरोमोन्स इन मैमल्स, ये टॉपिक अपना चल रहा था। इसको आज अपने पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को आज अपने। तो फेरोमोन्स मैमल्स की यदि हम बात करें, तो मैंने कल बताया भी था कि जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी स्तनधारी हैं, लगभग सभी के अंदर फेरोमोन्स बनते हैं, फेरोमोन्स जो है वो बनते रहते हैं। और फेरोमोन्स जो होते हैं वो स्तनधारियों के अंदर भी क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, यानी कि कोई भी एक ही जाति के जंतु हैं उनके बीच में लैंगिक आकर्षण कह सकते हैं, क्षेत्र निर्धारण कह सकते हैं, अपनी आक्रामकता को भी बताने के लिए कि भी यहाँ पहले से कोई नर मौजूद है, तो इस तरह से सीमा क्षेत्र का अंकन भी करके किया जाता है। तो ये सारे जो हैं व्यवहार, ये इन फेरोमोन्स की वजह से परिवर्तित होते रहते हैं स्तनधारियों के अंदर भी। और इसके लिए आपको बताया था कि स्तनधारियों के अंदर जो जहाँ हॉर्न्स एंटी जहाँ सींग पाए जाते हैं उस एरिया के अंदर ग्लैंड्स हो सकती है, नाभि क्षेत्र में ग्लैंड्स हो सकती हैं, फेरोमोन्स ग्रंथियाँ गुदिया क्षेत्र में हो सकती है, उदर क्षेत्र में हो सकती है। तो ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं, फेरोमोन्स इन मैमल्स के हैं। तो इसको अपने कुछ एग्जाम्पल्स अपने देखेंगे। तो देखिएगा कि जैसे शेर है, भालू है, लोमड़ी है, हिप्पोपोटामस है, एंटीलोप्स है, वानर है, इनके द्वारा क्या किया जाता है कि मलमूत्र का जब त्याग किया जाता है, तो मलमूत्र का जब त्याग किया जाता है तो इनके द्वारा जो है फेरोमोन्स हैं वो साथ में छोड़ दिए जाते हैं, और वो फेरोमोन्स जो होते हैं वो विशेष गंध उत्पन्न करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि ये जो प्राणी हैं, चाहे वो बंदर हो, चाहे हिरण हो, चाहे सिंह है वो, यानी शेर हो, चाहे लोमड़ी हो, भालू हो, ये मलमूत्र का जब त्याग करेंगे तो फेरोमोन का छिड़काव वहाँ कर देते हैं। तो जिससे क्या फ़ायदा होता है कि पहली बात तो इनका क्षेत्र निर्धारण हो जाता है, और दूसरी बात क्या होती है कि ये अपने उस फेरोमोन की गंध को लेकर के उस क्षेत्र को भूल नहीं पाते हैं। अब ये कहीं यदि प्रवास के लिए जाते हैं और प्रवास से जब वापस आते हैं भोजन को लेकर के या भोजन को ढूंढ करके या अन्य कोई एक्टिविटी करने बाहर जाते हैं अपने आवास से, तो आवास का जब ये सीमांकन कर गए मलमूत्र की सहायता से, तो जब ये वापस आएंगे तो उस फेरोमोन की गंध से ही अपने आवास को क्या करते हैं, ये पहचान पाते हैं। इसके लिए देखिएगा कि जो टाइगर होता है उसके अंदर टाइग्रेमिन नामक फेरोमोन देखा गया है। टाइगर के मूत्र में मीन नामक फेरोमोन देखा गया है, खोजा गया है। खोजा गया है कौन सा, टाइग्रेमिन, किसके अंदर, टाइगर के अंदर। अब इसका काम क्या है, इसके अंदर अब ये श्वेत रंग का गाढ़ा तरल होता है, इसमें फिनाइल एथाइल नामक जो रसायन पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि टाइग्रेमिन जो होता है, ये इसका जो रासायनिक संगठन है, इसके अंदर मैंने बताया आपको कि कौन सा रसायन पाया जाता है, फिनाइल इथाइल पाया जाता है, और ये सफेद रंग का गाढ़ा तरल होता है। अब इसका जो रासायनिक संगठन होता है वो प्रत्येक टाइगर का अपना अपना अलग होता है, यानी ये नहीं कि सभी टाइगर्स का सेम होता है, प्रत्येक टाइगर का अलग अलग होता है। तो जिससे क्या फ़ायदा मिलता है इसको कि गृह क्षेत्र में क्या करता है, विचरण करता है, जिससे क्या होता है कि ये अपने जो दूसरा किसी अन्य टाइगर का गृह क्षेत्र उसके अंदर ये प्रवेश नहीं करते। और ये क्या करते हैं कि जब टाइगर अपने क्षेत्र में विचरित करता है शिकार करने के लिए घूमता है, और उस समय क्या करता है अपने मलमूत्र या खासकर मूत्र की सहायता से इस फेरोमोन का छिड़काव कर देते हैं, तो जिससे वो अपने क्षेत्र को पहचाने हुए रखता है। तो फिनाइल एथाइल जो है वो इसके अंदर क्या होता है, पाया जाता है टाइग्रेमिन के अंदर। टाइग्रेमिन में फिनाइल एथाइल पाया जाता है, जो कि ट्राइग्रेमिन श्वेत गाढ़े रंग का तरल होता है।
का तरल होता है। किस रंग का होता है? श्वेत। गाढ़े रंग का क्या होता है? ये तरल होता है। कौन सा? टाइग्रेमिन। तो टाइग्रेमिन टाइगर में पाया जाता है, मूत्र में पाया जाने वाला फिरोमोन है और ये क्षेत्र निर्धारण में काम आता है, क्षेत्र निर्धारण करने वाला फिरोमोन है। फिरोमोन है कौन? टाइग्रेमिन। तो टाइग्रेमिन जो है वो टाइगर के मूत्र में पाए जाने वाले फिरोमोन। अब देखिए टाइगर जो है आपको पता ही है एक बड़ा स्तनधारी जंतु है, तो उसके क्षेत्र निर्धारण के लिए भी इस टाइग्रेमिन का होना क्या है? आवश्यक है। उसके अलावा कई जो जंतु होते हैं इन जंतुओं के अंदर क्या होता है कि जैसे अपने झाऊ चूहा है, खरगोश है, इनके अंदर एनल ग्लैंड और क्लोइकल ग्लैंड भी पाई जाती है, यानी अवस्कर ग्रंथियाँ और गुदा ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब देखिएगा झाऊ चूहा और खरगोश दोनों ही क्या स्तनधारी हैं, और ये जो क्लोइका और जो एनल ग्लैंड होती है इसके अंदर क्या होता है कि जब ये मलमूत्र का त्याग करते हैं तो इस मलमूत्र के त्याग के साथ क्या किया जाता है कि जो फिरोमोन है उसका उसका छिड़काव कर दिया जाता है, और फिरोमोन का छिड़काव करने से क्या होता है कि ये अपने क्षेत्र की क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। अब जैसे खरगोश के अंदर क्या होता है कि गुदा पाई जाती है, और गुदा से जब मल का त्याग होता है तो इस फिरोमोन का भी क्या त्याग कर दिया जाता है। फिरोमोन का त्याग जब होता है तो इससे क्या होता है कि अपने क्षेत्र का निर्धारण कर सकते हैं, ताकि अपनी मांद जो होती है यानी जो खरगोश का आवास उसको मांद कहा जाता है, तो उस मांद के अंदर और मांद के बाहर ये मल की सहायता से क्या करते हैं? फिरोमोन का स्त्राव कर देते हैं। तो इसके दो फायदे, एक तो क्षेत्र का निर्धारण हो गया, क्षेत्र को पहचानने में यानी आवास को पहचानने में सहायता मिलेगी, दूसरा क्या है विपरीत लिंगी साथी को आकर्षित करने में भी क्या मिलती है, इनको सहायता मिलती है। तो झाऊ चूहे के अंदर क्लोइकल ग्लैंड पाई जाती है और खरगोश में क्या पाया जाता है? झाऊ चूहे में क्लोइकल ग्लैंड्स होती हैं, होती है, तथा खरगोश में एनल ग्लैंड होती है, एनल फिरोमोन ग्लैंड्स होती हैं जो फिरोमोन का स्त्राव करती हैं। स्त्राव करती है फिरोमोन का क्या करती है? स्त्राव करती है। ये अपने क्षेत्र अपने आवास को पहचानने में वह विपरीत लिंगी साथी को आकर्षित करने में सहायक है, आकर्षित करने में सहायक है। इसके अंदर झाऊ चूहे और खरगोश के अंदर, तो ये देखिएगा टाइग्रेमिन तो क्या कर रहा है? केवल क्षेत्र का निर्धारण कर रहा है, ताकि एक जो टाइगर है वो अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में शिकार ना करे। उसके लिए तो हमने देखा कि टाइगर के अंदर टाइग्रेमिन फिरोमोन मूत्र में बनता है, जबकि झाऊ चूहे में क्लोइकल ग्लैंड पाई जाती है और खरगोश में एनल ग्लैंड पाई जाती है। तो ये क्लोइका के द्वारा जब ये मल या मूत्र का त्याग करता है तो फिरोमोन का स्त्राव हो जाता है, और खरगोश में जब एनस से क्या मल का त्याग होता है तो भी फिरोमोन का स्त्राव हो जाता है, जिससे क्या है कि एक तो आवास को पहचाना जा सकता है, दूसरा विपरीत लिंगी साथी को क्या किया जाता है? आकर्षित किया जा सकता है। और उसके अलावा हम बात करें बंदर, कुत्ता, सूअर, भालू और चूहा, इनके अंदर लार ग्रंथियों के अंदर भी फिरोमोन बनते हैं, और ये क्या करते हैं कि जब चाहे कुत्ता हो बिल्ली हो, इनके अंदर क्या होता है कि जब ये लार ग्रंथियों के अंदर फिरोमोन बनता है या लार ग्रंथियों के अंदर विशेष गंध पाई जाती है जो स्त्राव स्त्रावित होता है लार ग्रंथियों का, तो ये क्या करते हैं जब अपने स्थान को छोड़कर के या अपने आवास को छोड़कर कहीं बाहर गमन करते हैं तो उस दौरान क्या करते हैं ये के आसपास जो पेड़ है, कोई पत्थर है या आवास के पास कोई ठोस वस्तु है उसको चाट लेते हैं, चाट करके अपने जो लार का स्त्राव है उस पर छोड़ देते हैं, और लार का स्त्राव छोड़ने से क्या होता है कि जब ये बाहर विचरण करके वापस आते हैं तो अपने आवास को पहचान लेते हैं, अपने क्षेत्र को क्या करते हैं? पहचान लेते हैं। तो
उसके अलावा जो ये जंतु हैं ये क्या करते हैं, अपने आवास और भोजन स्थल के बीच में भी उन कई वस्तुओं को चाटते हैं, तो जिससे क्या करते हैं इसी जाति के जो दूसरे जंतु होते हैं वो क्या करते हैं उसकी गंध को लेकर के अपने भोजन तक पहुंच जाते हैं। तो ये भी इनके अंदर क्या है देखा गया है। कुत्ता बिल्ली सुअर भालू बंदर के लार ग्रंथियों के स्त्राव में विशिष्ट गंध होती है। जिससे ये अपने आवास भोजन स्थल के आसपास के क्षेत्रों में पड़ी वस्तुओं पेड़ों और शाखाओं को मुंह में लेकर लेकर उन पर लार का स्त्राव कर देते हैं। लार का क्या कर देते हैं, स्त्राव कर देते हैं, जिससे आवास व भोज्य स्थल की पहचान हो जाती है, भोज्य स्थल की पहचान हो जाती है। तो ये इसके अंदर क्या है फिरोमोन का क्या होता है यूज होता है किसमें, बंदर सुअर भालू लार ग्रंथियों की स्त्राव होता है, यानी लार ग्रंथियों में जो लार होती है उसके अंदर विशिष्ट गंध पाई जाती है, यानी फिरोमोन पाए जाते हैं। उसके अलावा देखिएगा कि जो अपने देखते हैं कि घरों के अंदर गाय जो होती हैं ये क्या होते हैं, जब अपने बछड़े को जन्म देती है या अपने नवजात को जन्म देती है तो हम देखते हैं कि उसको बार बार चाटती रहती है। तो चाटने से क्या होता है कि इनकी लार के अंदर क्या होता है कि फिरोमोन ही होते हैं, तो जिससे क्या है कि ये अपने उस बच्चे की पहचान, यानी कि जब अपने मान लीजिए नवजात दो बच्चों को अगर रख दें तो जो मादा गाय होती है वो क्या करती है कि चाट करके अपने बच्चे की पहचान, उस जो चाटने की वजह से उस बच्चे के अंदर एक विशिष्ट गंध उत्पन्न होती है उस गंध को पहचान करके माता उसी बछड़े के पास जाती है। क्यों, क्योंकि उसकी लार में जो उसने चाटा था अपने बच्चे को नवजात को, तो उसकी लार में क्या है फिरोमोन पाए जाते हैं, उन फिरोमोन की सहायता से वो क्या करती है अपने बच्चे को पहचान देती है। उसके अलावा जो मादा चूहा जो होता है या चूहिया जो होती है फीमेल, मादा चूहिया के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि अंधे होते हैं जब जन्म लिया लेते हैं, तो अब जब जन्म लेते हैं तो अंधे होते हैं, तो उस समय क्या करती है कि मादा चूहिया क्या करती है अपनी जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनके निप्पल वाले क्षेत्रों को मुंह में लेकर के उनके ऊपर लार का छिड़काव कर देती है, कह सकते हैं उनको लार से गीला कर देती है। अब जो अंधे बच्चे होते हैं उनको दिखाई नहीं देता कि निप्पल्स कहाँ होती हैं स्तन ग्रंथियों की, परंतु वो बच्चे क्या करते हैं माता ने जो लार निप्पल्स पर लगाई है खुद की निप्पल्स पर, उस लार के अंदर जो फिरोमोन होता है उसको सूंघ करके अंधे जो बच्चे होते हैं वो माता की स्तन ग्रंथियों की निप्पल तक पहुँच जाते हैं और भोजन को प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लार जो है वो भी एक, या लार के अंदर जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उनके अंदर भी विशेष गंध होती है, वो गंध जो है फिरोमोन की तरह कार्य करते हुए मतलब आवास का निर्धारण करने में सहायक है, भोजन को ढूंढने में सहायक है, उसके अलावा जो है सुरक्षा करने में भी क्या होती है सहायक होती है। तो इस प्रकार से ये गाय और जो चूहे वाला उदाहरण है ये भी अपने मोस्टली अपने आसपास देखते हैं और इनके द्वारा भी अपने नवजात के को पोषण देने के लिए इनके लार ग्रंथियों के द्वारा या इनकी लार के द्वारा फिरोमोन स्त्रावित किए जाते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें कि हिरण्स हैं एंटीलोप्स हैं उनके खुर सींग और जो चेहरे वाला भाग होता है ऊपर का वहाँ पर विशिष्ट ग्रंथियाँ पाई जाती है और ये क्या करते हैं कि इनका अपना जो जहाँ सींग होते हैं मैंने बताया था जैसे हिरण एंटीलोप्स इनके जो वहाँ पर सींग पाए जाते हैं वहाँ पर
उसके अलावा चेहरे पर, नेत्रों के पास और इन एरिया के अंदर, जो चाहे वो सींग वाले एरिया में हो, चाहे चेहरे पर हो, चाहे नेत्रों के पास हो, ये क्या करते हैं जंतु कि इन ग्रंथियों को फोड़ लेते हैं। कब? किसी पेड़ से रगड़ करके या किसी ठोस वस्तु जो कि अपने आवास के आसपास पाई जाती है, उनको रगड़ने से वो ग्रंथियाँ फूट जाती है, जिससे वो गंध निकलती है। जिससे क्या फ़ायदा होता है, तो क्षेत्र का निर्धारण हो जाता है ताकि वहाँ पर दूसरा नर न आ सके, दूसरी मादा न आ सके। और दूसरी बात क्या होती है कि विपरीत लिंगी साथी को भी क्या किया कर लेते हैं, ये आकर्षित कर लेते हैं। उसके अलावा एक इसमें एग्जाम्पल होता है रेड ब्रोकर, जो अमेरिकी हिरण होता है, उसके अंदर जो सींग वाला भाग होता है वहाँ पर विशिष्ट गंध छोड़ने वाली क्या ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो रेड ब्रोकेट जो अमेरिकी हिरण होता है, इसके अंदर जो सींग वाला भाग होता है वहाँ पर ये ग्रंथियाँ पाई जाती है। और ये पेड़ों से, शाखाओं से रगड़ करके उन ग्रंथियों को फोड़ लेते हैं ताकि क्षेत्र का निर्धारण भी हो जाए, साथ में विपरीत लिंगी साथी को भी आकर्षित किया जा सके। तो में चेहरे यानी फेस, हॉर्न्स व आइज के पास फेरोमोन ग्लैंड्स पाई जाती है इन ग्रंथियों को, इन ग्लैंड्स को पेड़ की शाखाओं से रगड़ कर फोड़ लिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? फोड़ दिया जाता है और फेरोमोन वायु में मुक्त हो जाता है। जिससे क्या होगा, क्षेत्र का निर्धारण भी हो जाता है और साथ में विपरीत लिंग साथी उसको भी क्या किया जा सकता है, आकर्षित किया जा सकता है। इसका एग्जांपल मैंने बताया कि रेड ब्रोकट जो हिरण है वो अमेरिका के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर जो सींग वाला भाग होता है वहाँ पर क्या पाई जाती है, ग्रंथियाँ पाई जाती है। उसके अलावा यदि हम बात करें कस्तूरी मृग, जो कि भारत के अंदर पाया जाता है हिमालयी क्षेत्रों के अंदर, तो कस्तूरी मृग जो होता है उसके अंदर जो है मस्कन नामक एक तीव्र गंध वाला पदार्थ छोड़ने की ग्रंथियाँ पाई जाती है। और ये जो मस्कन है, ये मस्कन जो होता है, ये पदार्थ मादा हिरण जो होती है उसकी नाभि में पाई जाती है। और मादा क्या करती है, अपनी नाभि को किसी भी पेड़ से रगड़ करके फोड़ लेती है, जिससे वो मस्कन नामक जो रासायनिक पदार्थ है वो वायु में मुक्त हो जाता है। और जिससे जो नर है वो उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और ये माना जाता है कि जो इसकी जो गंध होती है उसके अंदर मस्कोपायरिडीन नामक क्या रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। तो मस्कन जो कस्तूरी मृग जो है उसके अंदर मस्कन तीव्र गंध वाला पदार्थ पाया जाता है, उसके रसायन का नाम क्या होता है, मस्कोपायरिडीन। और जिससे क्या होता है कि ये केवल और केवल कस्तूरी मादा जो होती है, मृग की जो मादा होती है उसके अंदर ये बनता है, और जिससे नर को क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कस्तूरी मृग के अंदर कस्तूरी मृग की मादा की नाभि में से मस्कान नामक फेरोमोन पाया जाता है। मस्कोपायरिडीन इस फेरोमोन का रासायनिक पदार्थ होता है जो कि नर को अपनी तरफ आकर्षित करने में सहायक है।
करने में सहायक है। तो ये कस्तूरी मृग पाई जाती है, और कस्तूरी मृग की ये जो नाभि में पाए जाने वाला जो कस्तूरी बोलते हैं वैसे तो इसको कस्तूरी मृग का मतलब कस्तूरी नाभि में होता है, गांठ सी होती है, उसकी वास्तव में जो गंध है वो बहुत तीव्र होती है। इसको यदि मतलब इसका जो शिकार किया जा रहा है इस कस्तूरी मृग का, उस कस्तूरी मृग की नाभि में से उस मस्को नामक जो रासायनिक पदार्थ युक्त जो कस्तूरी होती है उसको निकालने के लिए इसका शिकार किया जाता है। वास्तव में इसकी जो यूँ कह सकते हैं कि ऑर्डर होती है, जो गंध होती है उस कस्तूरी की मृग की जो कस्तूरी होती है जिसके अंदर मस्को नामक फिरोमोन पाया जाता है, और उसका रासायनिक पदार्थ कौन सा है, मस्को पायोडीन, तो वो वास्तव में बहुत ही एक ऑर्डर वाला पदार्थ होता है। और साथ में ये चूँकि मनुष्य के लिए तो लाभकारी अन्य प्रकार से होता है, ऑर्डर जो वाले पदार्थ बनते हैं ऑर्डर या गंध उत्पन्न करने के लिए, परंतु उसके लिए खुद के लिए क्या फ़ायदा है, बायोलॉजिकल क्या फ़ायदा है कि ये नर को क्या करते हैं, क्योंकि नाभि को किसी भी पेड़ की शाखा से फोड़ करके जो मस्कोन पदार्थ हवा में मुक्त कर दिया जाता है, जिससे नर क्या होते हैं उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें जो रेगिस्तान चूहा है, हिरण है, इनसे भी फेरोमोन्स प्राप्त होते हैं, इनके अंदर भी फेरोमोन बनते हैं। उसके अलावा खरगोश है, वानर है, इनके अंदर जो चिब्बुक यानी जो जबड़ा होता है या नीचे जो गाल गाल होते हैं उनके अंदर भी ग्रंथियां पाई जाती है, किसके अंदर, खरगोश और वानरों में। तो जो क्या करते हैं कि ये जो चेहरे के अंदर पाई जाती हैं, चिक्स पर पाई जा सकती हैं या निचले जबड़े के पास पाई जाती है, तो खरगोश और बंदर में पाई जाती है। तो खरगोश और बंदर में आपने देखा होगा कई बार कि ये अपने चेहरे को दूसरे विपरीत लिंगी साथी पर आकर्षित, जो विपरीत लिंगी साथी होता है उसके ऊपर उस चेहरे को बार बार रगड़ते हैं, तो रगड़ने से क्या होता है, वो ग्रंथियाँ टूट जाती है, टूटने से जो फिरोमोन नामक रसायन है वो विपरीत लिंगी साथी पर लग जाता है, तो जिससे क्या होता है कि इनको जोड़ा बनाने में सहायता मिलती है, मैथ उनकी क्रिया करने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। उसके अलावा जो है अपने कई बार ये अपनी इन ग्रंथियों की सहायता को या इन ग्रंथियों को ये कह सकते हैं इन शिशुओं पर रगड़ देते हैं, तो जिससे शिशु की भी पहचान कर सकते हैं, क्योंकि बंदर है, खरगोश है, ये झुंड में रहने वाले जंतु हैं, तो इनमें से प्रत्येक मादा या नर अपने विपरीत लिंगी साथी को मतलब पहचानने के लिए या अपने शिशु को पहचानने के लिए अपनी फेशियल ग्लैंड्स होती हैं, फेरोमोन ग्लैंड्स होती हैं, उनको उनके ऊपर रगड़ करके फोड़ देते हैं ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके। उसके अलावा ऊँट है, हाथी है, हिरण है, इनके शीर्ष और ग्रीवा भाग में भी क्या होती है, ग्रंथियाँ पाई जाती है। उसके अलावा ये जो हाथी, ऊँट और हिरण के अंदर पाई जाने वाली ग्रीवा भाग के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियाँ होती हैं, इनको फोड़ करके विपरीत लिंगी साथी को भी आकर्षित करते हैं। साथ में कई बार क्या होता है कि ये अपना क्षेत्र निर्धारण करते ताकि दूसरा नर होता है झुंड का उसको ये बताने के लिए कि यहाँ पहले से नर मौजूद है, और साथ में जब इनके अंदर कई बार घर्षण मतलब लड़ाई की जैसी क्रिया उत्पन्न होती है दो नरों के बीच में, तो उस समय ये फिरोमोन को फोड़ करके अपने अंदर आत्मविश्वास भी उत्पन्न करते हैं, ऐसा भी इसके अंदर देखा गया हिरण और ऊँट और हाथी के अंदर। उसके अलावा कई बार जैसे अपने गाय भैंस के अंदर देखते हैं कि जो गाय भैंस में नर जो होता है वो मादा के मूत्र को सूंघता है, तो सूंघने का रीजन क्या होता है, फिर सूंघने के पश्चात उनके बीच में मैथुन की क्रिया होती है, तो वो मतलब गाय के मल और मूत्र को क्यों सूंघता है नर, क्योंकि इसलिए सूंघता है ताकि उसके अंदर फेरोमोन मौजूद होता है, और फेरोमोन यदि मौजूद होता है तो उनके बीच में मैथुन की क्रिया भी आसानी से हो सकती है। तो ये आज अपना फेरोमोन जो है वो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।